मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो आपके फैंस जो होते हैं, पिक्चर्स के नीचे कमेंट बड़े मजेदार करते हैं सर। तो कुछ पिक्चर्स हमने निकाली हैं। अनुपम जी तुसी इधर आ जाओ। आप मानेंगे नहीं, जब मैं आपका शो देखती हूँ, ये देखती हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि इसमें मैं तो आई नहीं सकती। दिखाइए जरा पिक्चर। अच्छा हाँ, बिकॉज यू आर नॉट ऑन दिस। ये बमन सर ने फोटो डाला है शेक्सपियर्स होम टाउन, और इसके नीचे हम कमेंट्स देखते हैं। लगता है इनके सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, उसी को ये इंस्पिरेशन बोल रहे हैं। बमन सर पर्दे खोल रहे हैं ताकि अंदर रोशनी आ जाए। किसने रिप्लाई किया, नहीं भाई, रोशनी घर पे आई हुई है इसीलिए पर्दे लगा रहे हैं। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। और दिखाइए, और भी है कमेंट्स। जब होटल वाले आपको स्विमिंग पूल व्यू दे दे तो बंदा ऐसे ही खुश होता है। Very nice. और दिखाइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस रजनी सर, ओ वाओ ब्यूटीफुल पिक्चर। दिखाइए नीचे कमेंट्स। आज रजनी सर फ्लाइट में है, 4 घंटे की फ्लाइट 1 घंटे में ही पहुंच जाएगी। Oh my God. अभी नीना जी थोड़ी देर में रजनी सर से रिक्वेस्ट करेंगी, मुझे उल्टी आ रही है, विंडो सीट दे दो। और दिखाइए। Oh, wow. I like this picture. Hope you like it too. कहाँ से आइडिया आते हैं अनुपम सर आपके दिमाग में? ये बहुत पुराना, मैं केरला में आयुर्वेदिक सेंटर में, अच्छा जी, तो वहाँ पर एक कुछ 100 साल पुराना महल है, तो उसमें एक बाथटब है। मैंने चाइल्ड इज इन द बूम ना, ही और शी इज लाइक दैट, तो मैं ऐसे लिया और टॉप एंगल से। बहुत अच्छी पिक्चर है सर। दिखाइए नीचे कमेंट्स। लगता है इन्हें नींद में चलने की बीमारी है। किसने रिप्लाई किया, अच्छा हुआ नींद में चलते हुए ये बाथरूम में आ गए, किसी और के बेडरूम में चले जाते तो अनुपम साहब की खैर नहीं थी। और दिखाइए, मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे था और अचानक उसका हस्बैंड आ गया। आप सीधा उठ के फ्लाइट भी ले सकते हो, आपके कौन से बाल बिखर जाएंगे। और दिखाइए, अरे थिएटर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड वन ऑफ द मोस्ट सो मच इंग्लिश। अक्षरा ने ये फोटो डाला है, नीचे कमेंट्स देखते हैं। इनकी खुशी से लग रहा है आज पूरे 1 हफ्ते बाद गोलगप्पे वाला गली में आया है। जरूर रास्ते में इन्होंने ज्वेलरी पर हैवी डिस्काउंट का बोर्ड देख लिया है। देखो सर लोग कितने क्रिएटिव हैं। और दिखाइए नीचे, बमन सर ने फोटो डाला, इट्स इंपॉर्टेंट दैट इट इज सेड दैट दिस हैज बीन द फाइनेस्ट वार्मेस्ट हैप्पीएस्ट क्रू वी हैव एवर फ्लोन विद। दिखाइए नीचे कमेंट्स। फोटो तो सिर्फ स्टाफ का हो रहा था, बमन सर अचानक बाथरूम से निकल के आ गए। फन फैक्ट, जब एयर होस्टेस सुंदर हो तो बंदा बेल नहीं बजाता, खुद जाके पानी मांग लेता है। और दिखाइए, एक्चुअली तो हम सीधे साधे लोग हैं, स्टिल फ्रॉम अवर अपकमिंग फिल्म ग्वालियर। नीना जी ने फोटो डाला है, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इसमें तो जबरदस्त होने वाला। संजय सर गुस्सा है, जो गर्म पानी उन्होंने अपने लिए किया था उससे नीना जी नहा ली। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं नहीं संजय सर गुस्सा है, खुद तो तैयार हो गई, मुझे पजामा भी नहीं बदलने दिया। ऐसी जोड़ी तब ही बनती है जब आदमी की सरकारी नौकरी हो। और दिखाइए, अनुपम साहब ने फोटो डाला है विद बर्थडे बॉय डेविड धवन। डेविड सर तो है नहीं फोटो में, नहीं हम उनकी पार्टी भी गए थे तो 4-5 फोटो थे तो उनमें से इसमें उनमें नहीं है। दिखाइए नीचे कमेंट्स। कोई डेविड जी के साथ भी चले जाओ, वो अकेले बिल देने गए हैं। फोटो में सब फोटोग्राफर को देख रहे हैं, सिर्फ शक्ति जी हैं जो रिसेप्शनिस्ट को देख रहे हैं। आओ आओ भी लिखा है। सतीश जी को देख के मेरा ये भ्रम टूट गया कि आदमी काले रंग के कपड़ों में पतला दिखता है। और दिखाइए, श्रुति ने फोटो डाला, व्हेन योर मदर एंड सिस्टर डोंट नो हाउ टू लुक एट द कैमरा। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये कहीं से भी सेल्फी लें खराब नहीं आती, और हम कहीं से भी ले लें अच्छी नहीं आती। जिंदगी का एक फलसफा बताने जा रहा हूं, मां सुंदर हो तभी बच्चे सुंदर निकलते।
ये तीनों बहनें एक्ट्रेस हैं। That's amazing. और दिखाइए। Can't wait to hear your actions. Let's have fun. Guess who am I waving at? Wrong answers only. नीचे दिखाइए कमेंट्स। ट्रैफिक पुलिस को ताकि वो आपको पहचान ले और चालान ना काटे। वाइफ को पड़ोसी की। उन बंदों को जिनसे आप कार को धक्का लगवाएंगे। और दिखाइए। ये हमारी फिल्म का स्टाइल है। अच्छा जी, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैडम, अमेरिका में टिंडा खरीदना हो तो इंग्लिश में टिंडे को क्या बोलते हैं? किसी ने उसको रिप्लाई किया, तू पहले पासपोर्ट बनवा। नीना जी, अमेरिका में कितने की सब्जी खरीदने पर धनिया फ्री देते हैं? देख लो। ये देख रही है कि अगर निर्मला ने अच्छी सब्जियां चूज की तो स्क्रिप्ट भी इन्हीं से चूज करवा लूंगी। और दिखाइए। हैप्पी बर्थडे माय डियरेस्ट फ्रेंड एंड वर्ल्ड्स बेस्ट एक्टर रॉबर्ट डी नीरो। वाओ, नीचे कमेंट्स दिखाइए जरा। जब खाने के बाद वेटर आके पूछे कि बिल कौन देगा। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। आपने अंग्रेज के साथ फोटो खिंचा ली है, अब आप भी अपने गांव में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे कि कोचिंग क्लास शुरू कर सकते हैं। एक मैंने कहीं बोर्ड लिखा देखा था, लिखा था दिन दिहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। देखा कभी? बड़ा वायरल हुआ था। हाँ, सोशल मीडिया, दिन दिहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। बैंक डकैती सिखा रहे हो? और दिखाइए कमेंट्स। सर, मेरे पास भी आपके साथ की एक फोटो है, मैं भी उस फोटो को डियरेस्ट फ्रेंड लिख के डाल सकता हूँ। और दिखाइए। खत्म। वाह, इस बात से कपिल एक बात तो प्रूव होती है कि इंडियंस हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे सर, कमाल का, कमाल का। अमेजिंग, अमेजिंग। एक शेर अर्ज कर रहा हूं के इशाद ऊंचाई पे, ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार। वाह वाह, ऊंचाई पे, ऊंचाई पे, ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार। आज ऊंचाई से आए हैं चार महान कलाकार। वाह, नमस्कार, नमस्कार। सर, ये हमारे मोहल्ले के स्ट्रगलिंग शायर हैं और शायरी के साथ साथ ये अच्छा दिखने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। चेहरा मत देखो मेरा, हाय हाय, चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो। वाह, बुलाइए कभी अपनी बाईपास सर्जरी में। चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो। उड़कर मुंह से लपक लूंगा, बिस्कुट उछाल कर तो देखो। ये जो गलत गलत शेर पढ़ते हैं आप, इसी वजह से फेमस नहीं हो पा रहे आप। फेमस? हाँ। फेमस होने का शायरी से कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि ऋषि साहब यूके के प्रधानमंत्री बन गए, फेमस हैं लेकिन शायर नहीं बन पाए। ये बात है, ये मजाक का खेल ही नहीं है साहब। अनुपम खेर साहब, आपको मेरे दिल से एक सवाल है। आपने इतने साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, आप इतने लोगों को जानते हैं, प्लीज किसी को बोल के मेरी आधार पे फोटो चेंज करा देंगे, मैं बड़ी गंदा लगता हूँ। और किससे कहा आपने आप आधार कार्ड पे गंदे दिखते हैं, आप सामने से भी दिखते हैं। बमन साहब, मैंने सुना है कि आपने इंडस्ट्री में आने से पहले आप होटल में काम करते थे। जी हाँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं जो होटल में दाल मखनी बच जाती है वो किसको देते हैं? शर्म नहीं आती आपको बचा हुआ खाना मांगते हुए? यार, कलाकार हमेशा थालियों का भूखा नहीं होता, दाल मखनी का भी भूखा होता है कभी कभी। सागर साहब। हाँ जी। आपको वो बुला रही है। कौन? वही चुड़ैल जिसके दामाद हैं आप। जाइए, वो बरगद के पेड़ पे आपका इंतजार कर रही है। बुलाती है मगर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, मैं इधर बैठा हूँ, प्लीज बताने का नहीं। और अपने हाथ जेब में रखना,
यहाँ पे जो काजू पड़े हैं उनको उठाने का नहीं। क्या बात है बमन साहब जी, आपने इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत सख्त क्या होता है जो ऐसे ऐसे करके संघर्ष बहुत आपने स्ट्रगल किया है, आपके संघर्ष पे चार लाइनें अर्ज करना चाहूंगा कि मेहनत करते हैं जो शिद्दत से, मेहनत करते हैं जो शिद्दत से वो लिखते हैं अपनी अलग कहानी। सागर साहब, सागर साहब हाँ सुनाओ सुनाओ, बहुत बढ़िया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।